हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सिलेक्टर में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एसएससी और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस और उनका शॉर्टकट। आज का जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एरिया निकालना है एक ट्राइंगल का एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है। और एबीसी ट्राइंगल 90 डिग्री का है और चारों साइड्स की वैल्यू दे रखी। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट मेथड। तीन स्टेप में इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फास्ट। तो दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड्स 18 और 24 है। तो आइए देखें स्टेप नंबर वन। 18, 24 ये 6 से डिवाइड हो जाते हैं। 6 3 18 और 6 4 24 और 3 4 और 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए जैसे यहां पर किया गया है, ये साइड एसी हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एसी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। तो एसी की वैल्यू हो गई दोस्तों 30। तो ये साइड अगर 30 आ गई तो अब हम लोग दूसरा वाला वैल्यू निकालते हैं। देखिए, ट्राइंगल एसीडी में दो साइड इक्वल है, तो मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर देगा तो ये वैल्यू 15 हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी। ये स्टेप नंबर टू है। देखिए, स्टेप नंबर टू में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। स्टेप नंबर टू में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है इसको अगर हम लोग कुछ नाम दे दे ई, तो डी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए, ये है 5 5 जा और ये है 5 3 जा, तो डेफिनेटली ये 5 4 जा होगा। वही ट्रिपलेट यूज करो 3 4 5 और उसी से हमने ये निकाल लिया कि DE की वैल्यू 20 हो गई, 5 4 20, ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई करके 5 से। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग इसका आंसर कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 ये है कि एरिया ऑफ ABCD कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABC का एरिया हुआ हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ACD हुआ हाफ बेस इनटू हाइट। ABC का बेस है 24, हाइट है 18, ACD का बेस है 30, हाइट है 20। इसको हम लोग कैंसिल आउट अगर कर दे तो ये हुआ 12, 12 इनटू 18 216, और इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो 10 आएगा, ये हुआ 300। दोनों का टोटल 300 और 200 516 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो भी होगा। देखा दोस्तों, हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करके तुरंत हम लोग ये साइड एसी और डी कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।